हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सीखेंगे कन्वर्जेंस। क्या क्या कन्वर्जन? जैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। और भी बाइनरी और भी कुछ कन्वर्जन होते हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप अगर उनको सीखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। तो कुछ भी सीखने के पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी होता है कि वो सीख क्यों रहे हैं। तो वही एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी डू कन्वर्जन। तो आइए जान लेते हैं क्यों हम लोग कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन डिजिटल सिस्टम और सर्किटरी। मतलब जो बाइनरी नंबर होता है 1001, ये डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी, कंप्यूटर जो अंदर का मैकेनिज्म चलता है वो बाइनरी नंबर से चलता है। जैसे हम लोग एक 10 प्रेस करते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम लोग 10 लिखते हैं, वो 10 कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। वो बाइनरी कंप्यूटर यूज़ करता है। कंप्यूटर को 10 का मतलब नहीं पता होता है, कंप्यूटर वो 10 को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर दूसरा पॉइंट आज सीखते हैं, हम जानते हैं लिखा हुआ जैसे यहाँ पर कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली यूज टू रिप्रेजेंट क्वान्टिटीज आउटसाइड ए डिजिटल सिस्टम। मतलब जैसे अगर बाइनरी नंबर तो बहुत 1 0 से ही होते हैं, 1 0 कम्बिनेशन से होते हैं। अब सब कम्बिनेशन को याद करना तो हमारे ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए हम और एक सिस्टम, नंबर सिस्टम निकला हुआ है, वो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। 1 2 3 5 6 7, ये सब हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। 1.2 2.3, सब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। फिर और बचे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट मींस फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज बाइनरी नंबर्स। अब कुछ बाइनरी नंबर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उनको शॉर्ट करने के लिए हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसको भी कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में। अब अगर हम लोग को कुछ बाइनरी नंबर एंटर करना है कंप्यूटर में, लेकिन वो बहुत बड़ा है, तो उसको बाइनरी नंबर में ना लिख के हम लोग ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में, तो वो कंप्यूटर उसको यूज़ करता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा हम लोग कन्वर्जन क्यों करते हैं, कन्वर्जन क्यों सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कन्वर्जन एक एक करके सीखा जाए। पहला कन्वर्जन यहाँ पर है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो चलिए एक एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि है 43। ये डेसिमल में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाइनरी को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल को 10 से, टल को जैसे जानते ही हम लोग 8, और हेक्सा हेक्सा डेसिमल को 16। तो मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया आपका 43। इसका प्रोसेस देख लेते कैसे करते हैं। इसको हम लोग रिपीटेड डिवीजन से करेंगे, रिपीटेड डिवीजन इसको करेंगे, रिपीटेड डिवीजन से हम कैसे करेंगे, ये इसको ऐसे बनाएंगे। इसके बाद 43 को आप 2 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको हमेशा जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से अगर 43 को डिवाइड करते हैं तो मुझे 2 21, 2 इंटू 21 होता है आपका 42, 42 होता है 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 42, और रिमाइंडर आपका कितना बचा 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 यहाँ पर। उसके बाद फिर से 2 को करेंगे 21 से, 2 को 21, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 हो गया आपका 10, 2 10 20, 2 10 इसका भी रिमाइंडर आपका बचा 1। उसके बाद फिर 10 को करेंगे, 2 5 10 रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर 0। फिर 2 से 2 2 जब 4, 2 2 जब 4, 4 5 -4 1, तो यहाँ पर 1। फिर 2 से 2 1 जब 2, 2 1 जब 2 रिमाइंडर 0। फिर
टू, फिर जो बचा उसको भी डिवाइड करेंगे, लास्ट में जीरो आना चाहिए। टू जीरो जा जीरो, टू जीरो जीरो होता है तो 1 माइनस 0 1, तो लास्ट में जीरो आ गया। जहाँ लास्ट में जीरो आ गया वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। फिर अब इसका बाइनरी हो जाएगा, बाइनरी कोड हो जाएगा। नीचे से हम लोग इसको लिखेंगे, नीचे से पहला क्या है, 1 0 1 0 1 1, ये आपका हो गया बाइनरी नंबर, 1 0 1 0 1 1, 1 0 1 0 1 1, ये आपका बाइनरी नंबर, मतलब 43 का डेसिमल का बाइनरी हो गया, 1 0 1 0 1 1, ये आपका बाइनरी हो गया। अब देख लेते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन एग्जाम्पल है 0.375, इसको करना है हम लोग को बाइनरी में। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग डिवाइड डिवाइड कर रहे थे 2 से, यहाँ पर हम लोग उसका उल्टा ही करेंगे, इंटू करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 0.375 यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पर इंटू 2, उसका आपका वैल्यू आ जाता है 0.750। तो ये जो यहाँ पर जीरो है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जीरो, और पॉइंट के बाद जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे 0.75, पॉइंट के बाद जो है उसको लिखेंगे। इसको फिर से 2 से इंटू करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाता है 1.50। तो पॉइंट के आगे वाला यहाँ पर लिख लेंगे 1, तो इसको पॉइंट के बाद क्या है, 0.5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.5 × 2 लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला सिर्फ लिखेंगे, और पॉइंट के आगे, यहाँ पर पॉइंट के आगे जीरो होता है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसका आपका हो जाता है 1.00। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे फिर से 1, तो यहाँ पर आ गया जीरो, यहाँ पर 0 0 × 2, तो ये आपका यहाँ पर 0 0 आ गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 0.00। तो ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ यहाँ पर आपको जीरो मिल जाता है, 1 पॉइंट के बाद आपको जीरो मिल जाता है, वहाँ पर आपको स्टॉप करना है, यहाँ पर फिर आपका बाइनरी नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे ऊपर हम लोग लिए थे, कि नीचे से ऊपर लिए थे, इसके लिए उल्टा ही हो जाता है, ऊपर से नीचे हो जाता है। तो आपका 0.375 का डेसिमल का बाइनरी हो गया आपका 0.011 बाइनरी। यहाँ पर आपको 0 पॉइंट देना पड़ेगा, 0 पॉइंट, उसके बाद आपको जो ये कोड निकला बाइनरी कोड उसको आपको लिख देना है, तो आपका कंप्लीट। इसके कुछ रूल्स से वो जान लेते हैं, मतलब यहाँ पर तो मुझे 0 मिल गया तो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। मान लीजिए कि आपको 0 नहीं मिलता, आपका रिपीटेड डिवीजन हो जा रहा है आपको यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जा रहा है, तो आपका तो कितना बड़ा वो आपको कोड होगा, आपको कहाँ तक करना है उसके लिए कुछ रूल्स है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 आ गया तो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। उसके बाद देखिए, अगर आप किए जा रहे, एक टाइम आता है कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर 1.5 आया था, फिर से कहीं 1.5 आ जाता है, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, वो रिपीट को लेके स्टॉप करना है, रिपीट को जो आंसर है उसको, उस बाइनरी को लेके स्टॉप करना है। मतलब जैसे यहाँ पर 1.5 है, तो मैंने 5 6 7 बार किया ऐसे, उसके बाद फिर से 1.5 आ गया, तो आपको वहाँ पर स्टॉप कर देना है, उसके बाद आपको जो बाइनरी कोड आया इंक्लूडिंग दैट रिपीटेड वन, उसको आपको कंसिडर करना है एज अ बाइनरी कोड। ये एक हो गया, और एक तो हो गया अगर 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहाँ पे स्टॉप, और एक हो गया कि आपका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपको चले ऐसी हो जा रहा है, कुछ अलग अलग नंबर आ जा रहा है, रिपीटेड नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तो मैक्सिमम आपको 5 बार करना है, 5 से 6, 6 या फिर 5 6 7, इन तीनों 5 बार कर सकते हैं, 6 बार या फिर 7 बार करके आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उसको अप्रॉक्स कभी भी हम लोग पकड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद वाला, लेकिन पॉइंट के आगे वाला हम लोग एग्जैक्ट होता है, लेकिन पॉइंट के वाला थोड़ा बहुत अप्रॉक्स हम लोग ले सकते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पर 375, हो सकता है कि आपका जो आंसर आया उसको आप कैलकुलेट किए, उसको उसको आ गया आपका 38, तो वो भी सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको 5 से 6 बार आपको किए, उसके बाद स्टॉप कर देना है। 5 की 7 बार के अगर अगर आपको 0 मिल जाता है तो आप स्टॉप कर दीजिएगा, अगर 0 नहीं तो कोई रिपीटेड नंबर मिल जाता तो वहाँ स्टॉप कर दीजिएगा, अगर रिपीटेड नंबर भी नहीं मिलता तो 5 से 6 बार करके स्टॉप कर दीजिएगा। अब जान लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है आपको 11011 बाइनरी, इसको आपको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको। 1011 ऐसे आपको पहले लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर जैसे 1 है यहाँ पर, इसके ऊपर एक छोटा सा 0, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके लिख देना है। 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको उठाइए। ये पहला नंबर आपका हो गया 1, तो 1 इन 2 बाइनरी है इसलिए 2, बाइनरी है इसलिए 2, और इसका ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 2 3। फिर प्लस, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 0 इन 2 बाइनरी है इसलिए 2, और ऊपर क्या है 2। फिर प्लस 1 इन 2 बाइनरी के लिए 2, ऊपर है 1, प्लस 1 इन 2 बाइनरी के लिए 2, ऊपर है 0। इसका आपका रिजल्ट आ जाता है इसका 8, ये प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2। सॉरी एक गलती हो गई, सॉरी एक गलती हो गया यहाँ पर, और एक 1 होगा, उसके लिए हम लोग 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 इन 2 बाइनरी के लिए 2, ऊपर है 4 प्लस। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 2, ये हो जाता है आपका 16। तो आपका रिजल्ट हो गया, और यहाँ पर हो गया आप, इसके लिए आपका 8, इसके लिए आपका 0, इसके लिए आपका 2, और इसके लिए हो जाएगा 1। आपका रिजल्ट हो गया 27, ये आपका हो गया बाइनरी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 डेसिमल। आप सीख गए। अब इसके एक शॉर्ट प्रोसेस भी है जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन आप अपने लिए उसको सीख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको यही वाला प्रोसेस करना है, लेकिन ये शॉर्ट प्रोसेस आप अपने लिए सीख लीजिए। जैसे कि मैं बाइनरी नंबर दिया हुआ था ये, अब मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा मुझे ऊपर लिख लेना है 1, 1 से शुरू करना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 हो यहाँ तक लिख लिए। अब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर 1 के ऊपर क्या है 16, प्लस 1 के ऊपर क्या है 8। अब यहाँ पर हो गया 0, 0 के 0 नहीं लिखना है सिर्फ 1 के लिए। फिर 1 के ऊपर क्या है 2, फिर 1 के ऊपर क्या है 1, तो आपका 27 डायरेक्ट। आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करने से भी हो जाएगा, ये आपको समझ ही में आएगा होगा, यहीं से ये वाला प्रोसेस आया हुआ है। लेकिन बस आपको याद रखना है, बस 1 से शुरू कर दीजिए, बाइनरी नंबर के ऊपर लिख दीजिए 1 2 4 6 4 8 16 32, ऐसा करके डबल होता जाएगा। सिर्फ 1 के ऊपर वाला आपको यूज़ करना है ऐड करने के लिए, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। अब सीखेंगे कन्वर्टिंग बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब इसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 1101.000101, इसको मुझे करना है डेसिमल में। अब उसको करेंगे कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे 0001010। उसके बाद ऊपर जैसे, उसके बाद ऊपर लिख लेंगे 0 1 2 3, यहाँ पर 0 लिखे थे इसलिए यहाँ पर -1 नेगेटिव में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जैसे पहले किए थे 3 into 2 to the power, सॉरी 1 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0। ठीक है, इसके लिए मैंने किया ये ला, तो ये आ गया आपका, ये आ जाता है आपका 13 आ जाता है आपका, ये यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 4, तो 8 4 12, 12 और ये आपका 1 13, ये हो गया 13। अब इसके लिए, इसके लिए जाता है आपका 1 0 into 2 to the power -1 प्लस 0 into 2 to the power -2 प्लस 0 into 2 to the power -3 प्लस 1 into 2 to the power -4 प्लस 0 into 2 to the power -5 प्लस 1 into 2 to the power -6। तो ये आपका आ जाता है 1/16 प्लस 1/64
दैट इज मेरा किया हुआ है पहले से, तो ये होता 0.078125, तो इसको हम लोग लिख देंगे ये वाला यूज और ये वाला पकड़ के, टोटल 13.078125 यहाँ का हो गया डेसिमल में। आपको समझ में आया होगा ये वाला। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी ये भी सीखेंगे, तो ये जो है ये मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तीनों का प्रोसेस एक ही है। मतलब डेसिमल कन्वर्जन जहाँ पर आपको डेसिमल रिलेटेड कन्वर्जन जो जहाँ आ जाता है, तो आपको एक ही प्रोसेस याद रखना है। हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कैसे किए थे, डेसिमल टू बाइनरी कैसे किए थे, जैसे हम लोग अभी सीखे डेसिमल टू बाइनरी के लिए रिपीटेड डिवीजन हम लोग सीखे। उसके लिए अगर मैंने लिया था 43, जैसे उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया था 43 को 2 से डिवाइड किया था रिपीटेड, उसके बाद जो मैं दिखाया था आपको। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है डेसिमल टू ऑक्टल आ जाता है, डेसिमल टू ऑक्टल, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया गया था। डेसिमल टू बाइनरी हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, डेसिमल टू ऑक्टल 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड कर करके लास्ट में जब 0 आ जाएगा रोक देंगे, और उसका जो ऊपर से नीचे से ऊपर जो लेते हैं हम लोग उसको ले लेंगे, वो हो जाएगा ऑक्टल में आपका कन्वर्जन हो जाएगा। वैसे ही ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करना है, ऑक्टल टू डेसिमल करने के लिए हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कैसे किए थे। बाइनरी टू डेसिमल मैंने जैसे 1011 अगर ले लिया, तो इसको ऊपर 0123 लिखा था, इसको मैंने लिखा था 1 × 2³ प्लस 0 × 2² और भी जैसे लिखा था। इसका बाइनरी के लिए ऐसे किए थे। अब अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल नंबर आपको एक दिया हुआ है, मान लीजिए एक ऑक्टल नंबर आपको दिया हुआ है, एक ऑक्टल नंबर आपको दिया है मान लीजिए कि 372। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये आपका एग्जांपल है। तो ऑक्टल डेसिमल करना है तो मुझे पहले याद करना है मैंने बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया था। बाइनरी टू डेसिमल ये बाइनरी नंबर था, तो 0123 करके लिखा था, उसके बाद 1 × 2³ प्लस 1 × 2² ऐसे ऐसे लिखा था। वैसे इसको लिखेंगे 372, इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग 0 1 2, तो लेंगे 3 × ऑक्टल इज 8² प्लस 7 × ऑक्टल 8^1 प्लस 2 × 8^0, ऐसे करके हम लोग इसका ले लेंगे, जिसका आपका आ जाता है 250, आपका डेसिमल बन जाता है। और बाकी सबके लिए भी प्रोसेस एक ही है। अगर हम लोग वो जैसे मैंने पॉइंट वाला दिखाया था, अगर S372.25 ऑक्टल को अगर डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे करेंगे, ये सबके लिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर ऑक्टल दिया हुआ है, इस आप याद कर लीजिएगा डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल मैंने क्या किया था, तो उसको आप अगर याद कर करते हैं तो आपका ऑक्टल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सबका प्रोसेस एक ही होता है, बस 2 की जगह यहाँ पर 8 लग जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हेक्सा हेक्सा होता है, बस 16 होता, यहाँ पर 8 नहीं होता 16 होता, तब क्या होता, तो आप वैसे ही बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए जो फॉर्मूला लगा था, जो 2 लगाए थे वहाँ पर, वो 2 की जगह 16 लग जाएगा। और रिपीटेड डिवीजन वाला जो किए थे उसमें भी 16 से डिवाइड करेंगे डेसिमल टू, अगर हम मुझे एक्स्ट्रा डेसिमल करना है, मतलब कोई नंबर है डेसिमल वाला तो 24 मान लीजिए, उसको अगर एक्स्ट्रा डेसिमल करना है, हेक्सा डेसिमल करना है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी रिपीटेड डिवीजन करेंगे 16 के साथ, उसका रिमाइंडर लिखेंगे। अब आपको और एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं लिख देता हूँ, ऑक्टल के लिए नंबर स्टार्ट होता है 0 से, आपका 7 तक ऑक्टल के लिए नंबर हो जाता है। कोई भी नंबर अगर 0 से 7, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 372, 3 भी 0 से 7 आता है, 7 भी 0 से 7, 2 भी 0 से 7, ठीक है, ये हो गया आपके ऑक्टल के लिए नंबर हो जाता है। और हेक्सा डेसिमल के लिए आपका होता है 0 से 15, 15 0 से 9 तक तो हम लोग जैसे नॉर्मल 1 2 3 4 करके लिखते हैं, 10 के बाद हो जाता है, 10 के लिए हम लोग ए लिखते हैं, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 12 13 14 15 डी ई, और यहाँ पर यह हो जाता है आपका एफ तक हो जाता है। हम लोग 10 11 12 13 14 15 को हम लोग ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं हेक्साडेसिमल का एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ,
टू ए एफ, ये हेक्साडेसिमल में, इसको मुझे करना है डेसिमल में। अब इसको कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे कहा था पहले ऐसे लिखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कैसे, बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कैसे किए थे, नंबर है बाइनरी टू, यहाँ पर 0 1 2 3 करके लिखे थे, यहाँ पर लिखा है 2AF, इसको भी लिख लेंगे ऐसे 0 1 2, तो यहाँ पर 2 2 हेक्साडेसिमल 16 टू द पावर 2 प्लस ए इंटू 16 पावर 1 प्लस एफ इंटू 16 पावर 0, ये हो गया आपका 2 इंटू 16 टू द पावर 16 का स्क्वायर, प्लस ए के लिए मैंने क्या बताया था आपको 10 इंटू 16, प्लस एफ के लिए हो गया 15 इंटू 16 की यहाँ पर 1 हो गया। तो इसका आपका आंसर निकलता है, इसका आपका 687, ये आपका हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। तो देखिए यहाँ पर एक आप नोटिस कर सकते हैं, अगर इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, 2 से अगर रिपीटेड डिवाइड करें, कितना बड़ा बाइनरी बनेगा, उस बाइनरी को ओवरटेक करने के लिए जैसे कि पहले पॉइंट लिखा हुआ था, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ तो मेरे कमेंट में उसको ज़रूर बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको लगता है कि अगर ऑक्टल कन्वर्जन या फिर हेक्सल कन्वर्जन के लिए आपको डेसिमल रिलेटेड आपको एक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे मेरे कमेंट में उसको बताइए, तो मैं उसको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, दूसरा ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, सॉरी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए मैं और एक वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको आप भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।